बच्चों, मैं नेहा सर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि। शब्द निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, अगर आपको वर्ण विचार आ गया यानी आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान है तो आप उनके माध्यम से शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। और शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। बच्चों, संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग या मेल, यानी कि जोड़ना। ठीक है, इसकी परिभाषा को अगर आप समझें तो इसकी परिभाषा होगी दो या दो से अधिक ध्वनियों, या ध्वनियां क्या होती है, अगर स्वर होंगे या व्यंजन होंगे उनको सम्मिलित रूप से वर्ण कहा जाता है। तो दो ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अब उनके मेल से उत्पन्न होने वाला विकार, यानी कि जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो उन वर्णों को जोड़ने पर उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है। यदि वो परिवर्तन नहीं होता है तो वो शब्द नहीं माना जाएगा, अगर परिवर्तन होता है तो वो संधि कार्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा में ये लिखना बहुत आवश्यक है कि दो ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वो जो परिवर्तन हो रहा है ना बच्चों, वही संधि कहलाता है हमारा। ठीक है, अब स्वर संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब वर्णों में स्वरों का मेल होता है, यानी जो धन होती है, यानी धन कहते हैं इस प्लस को, इस प्लस से पहले वाले पद और दूसरे वाले पद, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों स्वर हैं और इन दोनों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है वो भी स्वर होता है, तो वहाँ स्वर संधि होती है। फिर होता है हमारा व्यंजन संधि। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो धन, ये जो प्लस का निशान होता है, प्लस का जो चिन्ह होता है, इस प्लस से पहले वाले पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर है तो भी कोई परेशानी नहीं है, और व्यंजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाला जो पद है इसमें व्यंजन हो या स्वर हो, शर्त ये है, ये आवश्यक है, अनिवार्य है कि दोनों में से किसी एक पद में व्यंजन होना अनिवार्य है। अगर एक में नहीं है, दोनों में व्यंजन है, तो भी वहाँ व्यंजन संधि है। इस चीज को ध्यान देना बच्चों, अगर दोनों तरफ स्वर है तो वो स्वर संधि में जाता है, अगर दोनों तरफ व्यंजन है या एक तरफ व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण सदैव विसर्ग होता है, अंतिम वर्ण सदैव विसर्ग होता है, और दूसरा वाला जो पद है उसके अंदर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन विकार उत्पन्न होना चाहिए, यानी दोनों के मेल से क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना चाहिए, उनमें परिवर्तन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसे पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि का जो पहला भाग है स्वर संधि, इसमें क्या होता है? स्वर संधि में स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार जो होता है वो भी स्वर ही होता है, इसलिए इसे स्वर संधि कहा जाता है। बच्चों, कैसे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है बच्चों, विकार मतलब परिवर्तन। अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और उनके मेल से उत्पन्न होने वाला विकार भी स्वर होता है, ये शर्त है, ये नियम है स्वर संधि का। ठीक है, अब जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के भी बच्चों पांच प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से। स्वर संधि का पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि, और पांचवा होता है आयादि स्वर संधि। ठीक है बच्चों, अब इन पांचों की भी अपनी अपनी विशेषता है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की अपनी अपनी विशेषता है, वो कैसे आप पहचान सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं, कि आप कैसे उसको देखते ही पहचान सकते हो कि स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है या विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है बच्चों, लेकिन जो स्वर संधि
संधि है, इसके जो पांच प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इसके अंतर्गत क्या है? दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो जब बड़ा स्वर आता है शब्दों के बीच में, या शब्दों के नहीं शब्द के बीच में, शब्दों के बीच में तो वो समास में चला जाएगा, शब्द के बीचों बीच आपको देखना है। बीचों बीच क्यों? क्योंकि ये जो साइन होता है, इस साइन के आगे वाला पद और पीछे वाला पद, दोनों पदों को मिलाकर के जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, वो बीचों बीच उत्पन्न होता है विकार, ठीक है। यानी इस धन के निशान पर वो विकार आता है जो इन दोनों के जोड़ने पर आ रहा है, दोनों के मेल पर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो विकार है वो दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ यानी कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं बताओ, मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया है। तो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और उ। जब आपको शब्दों के बीचों बीच ये तीन स्वर मिल जाते हैं, दीर्घ स्वर मिल जाते हैं, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट आते हैं हम गुण संधि में। गुण स्वर संधि क्या होती है? यहां तक तो बच्चों ऊ से उन यानी बड़े स्वर तो यहाँ होंगे, लेकिन जो संयुक्त तो स्वर होते हैं यानी इनके मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, उनमें से दो स्वर ए और ओ, ये दोनों जो स्वर हैं ये गुण संधि की पहचान है। अर्थात यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इस विकार से उत्पन्न होने वाला मतलब इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार है वो या तो ए की मात्रा में आएगा या ओ की मात्रा में आएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा? आई और औ। वो जो आई और औ यानी वृद्धि, वृद्धि यानी कि बूढ़ा हो जाना, यानी कि परिपक्व हो जाना। तो जब ये स्वर परिपक्व होते हैं तो क्या हो जाते हैं? आई और औ हो जाते हैं। तो जब स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार यहाँ पर आई की मात्रा और औ की मात्रा में प्रदर्शित होता है तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। अब बचा हमारा यण संधि। यण संधि को कैसे समझेंगे आप? यण संधि को ऐसे समझिए, यदि आधा वर्ण कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आधा वर्ण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस आधे वर्ण के साथ में य और व होना अनिवार्य है। नियम है कि आधा वर्ण होगा और आधे वर्ण के साथ में य और व दोनों में से कोई एक वर्ण होना अनिवार्य है। ये शर्त है किसकी? यण संधि की। अब आते हैं हम अयादि संधि पर। स्वर संधि, स्वर संधि के पांच भेद मैंने आपको बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बच्चों को पहचानने के लिए मैंने एक सिंपल से टेबल बनाई है, सिंपल से तालिका बनाई है, जिसको अगर आप वो आपको समझ में आ गई तो आप स्वर संधि को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यानी शब्द के बीचों बीच यदि आपको आ स्वर, बड़ी ई स्वर या बड़ा उ स्वर, दीर्घ स्वर मिलता है तो वहां पर आंख बंद करके आप कर सकते हो दीर्घ संधि है। जैसे विद्यालय, ये विद्यालय जो शब्द है, इस विद्यालय का मध्य देखो, इस मध्य में कौन सा स्वर है? आ स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो ये कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर संधि होगी। नदीश, यहाँ पर बड़ी का स्वर है तो कौन सा हो गया? यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। फिर देखिए आप भानुदय, यहाँ पर आपको बड़ा का स्वर मिल गया, दीर्घ स्वर मिल गया, तो ये कौन सी हो गई? ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। कहने तात्पर्य आपको समझ में आया कि यदि आपको शब्द के बीचों बीच आपको आपको पता है संधि कार्य हो रहा है तो शब्द के बीचों बीच होगा, तो ये जो संधि कार्य में आपको ये जो मात्राएं दिख रही है, दीर्घ स्वर दिख रहे हैं, ये दीर्घ स्वर यदि आपको मिलते हैं तो ये कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ स्वर संधि हो गई बच्चों, ठीक है। फिर है गुण संधि। गुण संधि में अगर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिलती है तो वहां पर आपको आंख बंद करके आप कर सकते हो, गुण संधि है। कैसे? मैंने लिखा यहाँ महेश, रमेश, ठीक है। ओ का देखो, जैसे जैसे परोपकार, जैसे हितोपदेश। अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ इन शब्दों के बीचों बीच देखो, यहाँ ए की मात्रा आ रही है, ठीक है, ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, लेकिन ओ की, और यहाँ पर भी वो एक मात्रा ओ की। अर और है तो अर की उदाहरण आप देखिए, महर्षि, सप्तर्षि, तो यहाँ पर अ का स्वर और र आधा,
र आधा होता है तो वो ऊपर चढ़ता है यानी उसकी मात्रा ऊपर वाली आती है, यदि र स्वर रहित होता है तो कुछ ठीक है। तो यहाँ पर गुण संधि की क्या विशेषता होती है, गुण संधि को आप कैसे पहचानोगे, एक मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द चाहे वो ए की मात्रा हो चाहे वो ओ की मात्रा हो, दोनों में एक ही मात्रा लगती है ना बच्चों, तो एक मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं वो किस में आते हैं, हमारे गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में, तो देखते ही आप पहचान सकते हो कौन सी है, गुण स्वर संधि है। फिर आती है हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बड़े स्वर, वृद्धि यानी बूढ़ा होना बड़ा हो जाना, तो वृद्धि संधि के अंदर आई और औ की मात्राएं आती है। देखो कैसे, सदैव, तथैव, ठीक है, महेश्वर्य, दिख रहा है आपको। गुण संधि में तो एक मात्राएं थी लेकिन वृद्धि संधि में यहाँ पर दो दो मात्राएं आ रही हैं। ये तो हुआ एक का, अब देखो महौज, परमौज, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर नहीं, वृद्धि यानी बड़े स्वर, जो बूढ़े स्वर है वो आ रहे हैं, दोनों में आई की मात्रा है। यहाँ पर, यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर भी दो मात्रा है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्या कहा मैंने, यदि एक मात्रा आपको दिखती है तो वो गुण संधि है और दो मात्रा यदि आपको दिखती है तो वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यण संधि, तो यण संधि में आपको आधा वर्ण होना चाहिए और आधे वर्ण के साथ या तो य होना चाहिए या व होना चाहिए या फिर र होना चाहिए। देखो कैसे, आधा वर्ण कोई सा भी हो सकता है, जैसे प्रत्येक, आधा वर्ण आया, आधे वर्ण के साथ क्या आया, यह आया, आधा वर्ण आया, आधे वर्ण की क्या साथ क्या आया, यह आया, आधा वर्ण आधे वर्ण के साथ क्या आया, यह आया, ठीक है। फिर देखो वधवा गमन, यहाँ पे आधा ध आया और आधे ध के साथ में क्या आया, व आया। जब आधे ध के साथ में व आता है, ध के साथ में नहीं कोई से भी आधे वर्ण के साथ में यदि व आता है तो भी वो कौन सा होता है, कौन सी संधि होती है बच्चों, यण संधि होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो देव्यार्पण, आधा व और साथ में य, य व र तीनों में से भी कोई से भी वर्ण आ सकते हैं बच्चों इसके अंदर। इसके अलावा जो र है, र के उदाहरण देखो पित्राज्ञा, अब यहाँ पर जो त है ये आधा त और र है, ये दोनों मिलकर त्र का निर्माण करते हैं इसलिए यहाँ पर र है, मात्राज्ञा वहां पे भी, यहाँ पे भी आधा त और र। तो इस प्रकार से आप किसको पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो यण संधि इसको पहचान सकते हैं, आधा वर्ण होना अनिवार्य है और उस वर्ण के साथ में क्या होना अनिवार्य है, या तो य या व अध व तथा र, अगर इन तीनों में से कोई भी है और साथ में आधा वर्ण है तो वो कौन सी संधि है बच्चों, वो आपकी यण स्वर संधि है, ठीक है। अब आपको ये बाद में बताऊंगी मैं कि य कैसे आता है, व कैसे आता है और र कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अयादि संधि, अयादि संधि की क्या पहचान है, अय आय अव और आव, यदि किन्हीं शब्दों के बीच में आपको य अय मिलता है, जैसे न य न, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, अय मिल गया, नायक यहाँ आपको क्या मिल गया, आय मिल गया, पवन आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अव मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आव मिल गया, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जहाँ शब्दों के बीच में आपको दीर्घ स्वर मिल जाते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, जहाँ आपको ए ओ अर शब्दों के बीच में मिल जाता है वहाँ पर गुण संधि होती है, जहाँ आपको अरी और औ शब्दों के बीच में मिल जाता है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है, और यदि आपको आधा वर्ण धन अर्थात प्लस य व र में से कोई सा वर्ण मिलता है तो वहां पर आपकी यण स्वर संधि हो जाती है, और यदि आपको शब्दों के बीच में अय आय अव और अव मिलते हैं तो वहां पर अयादि संधि होती है। इसे और विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।